हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले कि सावधानी बरतें, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, तो आप सुरक्षित हैं तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपको किसी भी तरह से अपने आप को सेफ करना है, तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो हमारी पहली न्यूज़ आई है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या प्रॉमिस किया है, किस बात को लेकर के, जो वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन है इसको लेकर के, तो क्या बोला है देखते हैं। तो बोला कि सेंटर प्रॉमिसेस मोर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़। यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, वादा किया कि जल्द से जल्द वो क्या करा देंगे, ये वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स दोनों प्रोवाइड करा देंगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। और साथ ही में बोला गया कि अलाव इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि साथ में ये बोला गया कि अलाव किया जाए, चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाएँ कि जो इंटरस्टेट, देखो दो चीज़ें होती, एक होता है इंट्रास्टेट, INTRA, इंट्रा, और एक होता है इंटर, INTER, इंटर। तो जो इंट्रा होता है ये राज्य के अंदर ही होता है, किसी के अंदर रहेगा इंट्रा होता है, और इंटर का मतलब होता है एक, जैसे मैं बोलूँ यूपी से छत्तीसगढ़, तो ये इंटर हो जाएगा, यूपी का यूपी के अंदर इंट्रा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि इंटर जो है, तो इंटर स्टेट जो मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है ये अलाव कर दिए जाने चाहिए। और एक और न्यूज़ साथ ही में बोला गया कि जो CISCSE जो है बोर्ड है, ये डिफर्स एग्ज़ाम्स फॉर क्लासेस 10 और 12, मतलब इनकी डेट वगैरह चेंज की है। तो जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है ना, जो ये है, इसने बोला है कि डेट वगैरह को डिफर किया। और जो पूना वाला है अपील्स टू यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कि यूएस प्रेसिडेंट से अपील की है किस बात को लेकर के, कि जो रॉ मटेरियल है उसके लिए। और महाराष्ट्र में जो नई कोई नया गाइडलाइंस अभी नहीं स्टार्ट हुए, जो नया म्यूटेशन आया है उसको लेकर के। और जो सबसे बड़ी खबर है मीन्स भारत के लिए, जो बैंक्स हैं उनकी, स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो उसके लिए, कि जो यूके है, यूनाइटेड नेशंस ने है ना, कि यूनाइटेड किंगडम नोड का मतलब होता है हामी भरना फॉर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? प्रत्यावर्तन। ये प्रत्यावर्तन क्या होता है कि जब एक आपका अपराधी हो, आपके देश का अपराधी हो, दूसरे देश में चला जाता है, तो उसको अपने कंट्री में, उस कंट्री, मान लो एक कंट्री ए है दूसरा बी है ना, तो ये मीन्स, और इसको आसान कर लेते हैं, इंडिया को रख लें और यूके को रख लें है ना, यूके। तो ये नीरव मोदी हैं, ये कहाँ चले गए हैं? यूके में चले गए हैं। और इन्होंने पैसा कहाँ से लिया था? इंडिया में PNB से लिया था, भाग कर कहाँ चले गए? यूके में। तो अब इंडिया और यूके की एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो उस पर साइन होते हैं, तो उसको लेकर के अब क्या करेगा, जब साइन होगी अगर अब, तो यूनाइटेड किंगडम है हाँ, उसी ने क्या बोला है कि अब नीरव मोदी को लौटाएगा, किसको भेजेगा? भारत को। तो वही बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम नोड फॉर एक्सट्रेडिशन ऑफ नीरव मोदी इन PNB केस, पंजाब नेशनल बैंक जो केस है, जो फ्रॉड है ना पैसे का, उसको, उसके लिए इनको वापस भेजा जाएगा, तब इनकी बैंड बजने वाली है अच्छे से है ना, अगर आ जाते हैं तब। अभी तो ये चर्चा ही हुई है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत पैसा, 2018 में इन्होंने कंट्री को लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था, और मतलब कितना पैसा इन्होंने किया था मीन्स इंडिया, 13,758 करोड़ रुपए लिए थे, 13,758 करोड़ रुपए इन्होंने लिए थे, और सब हेरा फेरी की है, तो उसको लेकर के है ना। और जो नई, देखते क्या होता है। नेक्स्ट है कि कैश अदर फ्री बीज का मतलब होता है फ्री में जो चीज़ें दी जाती हैं, फ्री बीज या फ्री बाइज भी पढ़ते हैं इसको, फ्री बीज होता है जो फ्री में चीज़ें दी जाती हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह चल रहा है तो तमिलनाडु वगैरह में फ्रीज दी जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे, हाउस होल्ड थिंग्स जा रही थी, सब फ्री बीज थी। तो कैश अदर फ्री बीज वर्थ 1,000 करोड़ सीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन ऑनगोइंग असेंबली पोल्स। जो असेंबली पोल्स चले हैं इसमें क्या हुआ है कि मतलब जो
चीज़ें दी जा रही थी लोगों को, ताकि आप उनके पक्ष में वोट करें। सोना हो गया, पैसा हो गया, दारू हो गया, इन ड्रग्स हो गया, इन सब चीज़ सारी चीज़ें सीज की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने कितने 1,000 करोड़ रुपए इसकी मतलब इतनी वर्थ की गई, इतना पैसा मतलब इलेक्शन में खर्च होने वाला, इलीगली खर्च करने वाले थे। और गुजरात के जो हॉस्पिटल्स हैं, गैस फॉर ऑक्सीजन, गैस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो यहाँ मतलब भाई उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो परेशान तो होंगे ही, सांस नहीं ले सकते। और एक और सर्वे, एक स्टडी आई है, स्टडी कह रही है कि क्या कि जो गर्ल्स फेस मोर प्रेशर ड्यूरिंग पैंडमिक, पैंडमिक के दौरान जो सबसे ज़्यादा मीन्स ज़्यादा जो प्रेशर फील कर रही हैं वो गर्ल्स फील कर रही हैं। ये किसने बोला? स्टडी। भाई सही बात है, इसको ज़रा सोच के देखो। मान लो कई सारी गर्ल्स हैं भाई, टाइम लेकर उन्होंने बोला कि स्टडी के लिए जा रहे हैं, है ना, और मीन्स पढ़ाई वगैरह करेंगी, लेकिन हो क्या रहा है उनकी घर लॉकडाउन के चलते पैंडमिक आई, उनको घर वापस बुला लिया गया, वहीं पर उनका लड़का देख के शादी करते रहे, है ना। तो ये क्या है उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना, मतलब वो अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पा रहे और बहुतों के शादी इसी चक्कर में हो गई, तो सबसे प्रेशर उन्हीं के ऊपर है। उनको काम भी करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। तो इट्स ऑब्वियसली ये सच भी है कुछ, है ना, काफ़ी हद तक। और कि भारत जो बायोटेक है उसने भाई 6 करोड़ डोजेस बोला है जुलाई तक बना लेगा, तब तक यहाँ पर कबाड़ा होने वाला है ना, कि जब तक वो बनाएंगे तब तक, है ना, चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं। और कॉलम्स में देख लेते हैं, तो कॉलम्स में ये न्यूज़ है कि स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जो अनुमान करना चीज़ों को लेकर के। तो स्पेकुलेशन आफ्टर फॉर्मर, एक होता है फार्मर, एक होता है फॉर्मर, या FO वाला, जिसका मतलब होता है भूतपूर्व। तो फॉर्मर मिनिस्टर नटवर सिंह, है ना, मीट्स मोदी, ये मोदी से भाई कल मिले नटवर सिंह, ये हैं कौन, मिस्टर, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री रहे हैं ये, तो इनसे बातचीत हुई है ना, कई सारे मुद्दे वगैरह डिस्कस किए, लगभग आधे घंटे की डिस्कशन चला, मोदी जी के वहाँ आवास पर जाकर ही मिले थे, है ना। और मानसून लाइकली का मतलब संभावना है किसकी, टू बी नॉर्मल दिस ईयर, से इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो भविष्यवाणी वगैरह करता है किसको लेकर, वेदर वाला, तो उसने बोला है कि इस बार मानसून जो है नॉर्मल रहेगा, संभावना ऐसे ही है। और ईरान स्टार्ट्स एनरिचिंग ठीक यूरेनियम टू 60% इट्स हाईएस्ट लेवल एवर का मतलब कि अब तक का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल इन्होंने, कि ईरान ने क्या कर दिया, यूरेनियम को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना। और आज भाई रोहित की जो MI है, मीन्स रोहित शर्मा की, मुंबई इंडियंस चढ़ाई करने वाले किसके ऊपर करेंगे, SRH के ऊपर, है ना, चेन्नई में। तो ये आज की न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडिटोरियल की तरफ चलेंगे, संपादकीय की तरफ, और देखते हैं कि आज मीन्स हमको क्या है। तो मैं बता ही दूँ, आज का जो हमारा है ये, अगर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस को, और काफ़ी अच्छा लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया है, और बहुत सही बात बोली गई। उसके स्टार्ट करूँ मैं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है ना, वो ये है कि 5 सालों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है ना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट आई है, किसकी आई है, ग्लोबल ट्रेंड की, है ना, सॉरी ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट आई है ना। ये ग्लोबल ट्रेंड अब क्या है ना, ये जो ग्लोबल ट्रेंड है ये पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट हर 4 साल में। ये है US की, यूनाइटेड स्टेट्स की, है ना, एक एजेंसी एक तरह से बोल सकते हैं, उनकी खुद की है, वो पब्लिश करती है। अब इसमें होता क्या है, ये जितनी भी अब तक भविष्यवाणी इसने की है, जितनी भी चीज़ें इसने सर्वे दिए, सब के सब सच हुए हैं। 2016 में जब इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें इसने बोला था कि इस मेंशन किया गया था कि आने वाले 4 सालों में महामारी आएगी, है ना, किस तरह की रहेगी ये मेंशन नहीं था, और इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, एकदम नीचे जाने वाली है, और सच हुआ वही, है ना। तो कुछ चीज़ें हमको पता रहती, फिर भी हम कुछ कर नहीं पाए, है ना। और जो अभी रिपोर्ट इसकी आई है, फिर आई है ग्लोबल ट्रेंड की, और उसमें इसने बोला है कि आने वाले 5 सालों में, यानी कि बात करें 2050 यानी कि 2025 तक इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है ना, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होने वाला है, और ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, लेकिन बहुत ही भयंकर वॉर होगा, है ना, और इसमें सैनिक वगैरह बहुत ज़्यादा शामिल होंगे, मीन्स चीज़ें होंगी, और किसके बीच में होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना ये। और साथ में उसने बोला है कि चाइना के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएँ कम है, है ना, क्योंकि चाइना थोड़ा सा दिमाग लगाता है, कि उसको पता है कि वो भावनाओं में नहीं बहता है, कि
तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के साथ वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाले 5 सालों में, है ना, 2025 तक बात करें तो। और ये हम नहीं करें ग्लोबल ट्रेंड का, ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हुई है ना। अब उसके पीछे उसने लॉजिक भी दिया, उसी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है कि लॉजिक उसमें क्या है। तो उसने ये बोला है कि आने वाले 5 सालों में क्यों होगा, चीज़ें एकदम बदल रही। कैसे बदल रही हैं, जब ट्रंप थे तो ट्रंप ने डिसाइड किया कि 1 मई तक, मतलब ये जो हमारा मीन्स आने वाला मई है, 1 मई तक क्या करेंगे, अपनी सारी सेनाएं कहाँ से हटा लेंगे, अफ़गानिस्तान से, है ना, कहाँ से हटाएंगे, अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से सेनाएं जब हटेंगी, है ना, जब तक ट्रंप थे तब उन्होंने बोला। अब जो बाइडन है, जो बाइडन ने क्या बोला, उन्होंने भी क्या किया है कि कुछ लोगों को आशा थी कि कुछ नया होगा, नया कुछ हुआ नहीं, उन्होंने भी ट्रंप को ही फॉलो किया और उन्होंने बोला कि 1 मई नहीं, 11 सितंबर तक सारी सेनाएं पूरी तरह से हटा ली जाएंगी। कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। अब अफ़गानिस्तान से सेनाएं हटेंगी तो इसका असर क्या पड़ेगा, अफ़गानिस्तान में अलकायदा, है ना, और मीन्स इस्लामिक स्टेट जैसे बहुत बड़े मीन्स क्या हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, है ना, तालिबान जैसे बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर हैं। ये क्या करते हैं, ये मुजाहिदीन जैसे मीन्स अल मुजाहिदीन जैसे ये क्या करते हैं, या ग्रुप बनाते हैं और अटैक करते हैं। कहाँ पर, इंडिया में अटैक बहुत ज़्यादा हुए हैं ना, तो ये कहाँ जाते हैं, ये तालिबान का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, जितने भी अटैक्स होते हैं उनमें, तो ये अफ़गानिस्तान की धरती पर सभी पनपते हैं। तो जब वहाँ से सेनाएँ हटा लेंगे तो तालिबान हो जाएगा एक्टिव, जब तालिबान एक्टिव होगा तो अशरफ गनी वहाँ जो इस समय उनकी जो सरकार है, है ना, वो जाएगी दब। और जब वो प्रेशर में आएगी, मतलब उनका जब धीरे धीरे वहाँ पर डोमिनेंस हो जाएगा किसका, तालिबान का, तो वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे कौन, अलकायदा जैसे ये टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव होंगे। और अलकायदा और जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी जो है तालिबान की अच्छे से बनती है किससे, है ना, ये जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है इससे, जब इससे बनेगी तो दोनों साथ में मिलेंगे, एक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में अटैक होंगे, और इंडिया में अटैक होंगे तो इंडिया अब पहले जैसा है नहीं, रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट करेगा तो क्या होगा, आक्रमण, है ना, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत भयंकर। ये किसने बोला है, ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट है, तो उसी तो चीज़ें अभी से स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो मतलब कि एक तरह से अफ़गानिस्तान में एकदम चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से सेनाएं, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इसलिए कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ये तालिबान एक्टिव होता था, तुरंत वहाँ से US की जो सेनाएं लगी थी वो एक्टिव हो जाती थी और उनको कंट्रोल कर लेती थी, है ना। तो इस वजह से तालिबान ज़्यादा पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता था। अब ट्रंप ने क्या किया, समझौता कर लिया है कि वो अपनी सेनाएं वहाँ से हटा लेंगे, है ना, और सेनाएं हटाएंगे तो चीज़ें ख़राब होना तय है, एकदम फिक्स है ये, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं को चीज़ों को लेकर, तो इन्हीं के ऊपर डिस्कशन है, अच्छा है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया तो पूरा देखिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा है। तो जैसे बोला एग्जिटिंग अफ़गानिस्तान, तो एग्जिटिंग का मतलब बाहर होना, है ना, बाहर का रास्ता देखने किस में, अफ़गानिस्तान में। तो अब किसकी बात करें, US की जो ट्रूप्स हैं, जो सेनाएं हैं, वो अफ़गानिस्तान से बाहर होने, उनकी बात कर रहे हैं। तो कहे US पुल आउट, पुल आउट का मतलब बाहर खींचना, क्या विदाउट मीन्स US पुल आउट, US जो अपनी सेनाएं क्या कर रहा है, पुल आउट मतलब बाहर खींच रहा है, विदाउट, है ना, बिना किसी के एनी सेटलमेंट्स, मतलब कोई भी तक समझौता वहाँ पर नहीं हुआ है, लीव्स द तालिबान, और ये क्या कर रहा है, लीव्स द तालिबान स्ट्रॉन्गर। देखो इतना हमारा सब्जेक्ट है, US पुल आउट विदाउट एनी सेटलमेंट, ये हमारी क्लॉज एक है, लीव्स छोड़ देता है तालिबान को स्ट्रॉन्गर, मतलब कि जब ऑब्वियसली वहाँ से जब US हट जाएगा तो तालिबान ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसका डोमिनेंस हो जाएगा। अब अगर वो होगा तो चीज़ें क्या होंगी, देखते हैं भाई, है ना। उन्होंने बोला कि क्या बोला है, बाय अनाउंसिंग, अनाउंस करके, घोषणा करके, क्या दैट कि ऑल US ट्रूप्स वुड बी पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान बाय सितंबर 11, है ना, कि ये अनाउंस किया गया, मींस क्या अनाउंस किया गया, कि US की जो ट्रूप्स हैं सारे की सारी 11 सितंबर तक, बाय का इन्होंने इस्तेमाल किया है, एक होता है टिल होता है, एक होता है बाय, तो जब बाय लगता है तो मतलब 11 सितंबर के पहले पहले US अपनी सारी सेनाएं वहां से वापस बुला लेगा, है ना। ये है वुड का इस्तेमाल किया, और वुड का एक हम गेस करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाएं, ये भी हो सकता है, इसीलिए वुड का इन्होंने इस्तेमाल किया। प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ इफेक्टिवली अपहोल्ड का सेकेंड फॉर्म है, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, इफेक्टिवली, है ना, कि मतलब तात्कालिक रूप में, मतलब एकदम तुरंत का तुरंत, है ना, हाँ, प्रभावशाली रूप से
प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उन्होंने बनाए रखा है क्या स्पिरिट, स्पिरिट मतलब भावना है ना, आत्मा किसके हाथ में, ट्रंप तालिबान डील, जो ट्रंप तालिबान डील हुई थी यही डील हुई थी कि एक मई से सेनाएं वहां से हटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि जो बाइडेन ने भी जो ट्रंप और तालिबान के बीच में समझौता हुआ उसी का पूरी तरह से समझौता किए, उसी का समर्थन किया है रादर देन डिफाइंग इट, बजाय इसके कि उसकी अवहेलना करें, है ना। हाँ, लेकिन लोगों को बड़ी आशा थी कि मतलब सेनाएं वहां से नहीं हटेंगी, या हटेंगी तो कोई सेटलमेंट हो जाएगा तभी, है ना। तो अब आगे देखते हैं, इन द अग्रीमेंट बिटवीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब जो विद्रोही वहाँ के हैं, मतलब तालिबान की बात कर रहे हैं। इन द अग्रीमेंट किसके, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था उनके बीच में और जो इंसर्जेंट के बीच में हुआ था, कब, फरवरी 2020 में US ट्रूप्स वर शेड्यूल्ड, है ना, US जो ट्रूप्स का जो एक समय निर्धारित किया गया, शेड्यूल्ड का मतलब निर्धारित किया था टू पुल बैक, वापस बुला लेना बाय मे 1, है ना, कि 1 मई तक ये रखा गया था कि 1 मई तक पूरी पूरी सेना हटा ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 मई से नहीं, 1 मई से शुरू हो जाएंगी, है ना, सेनाएं हटना। इन रिटर्न, और रिटर्न में क्या होगा, फॉर द तालिबान अश्योरेंस की तालिबान, रिटर्न मतलब कि बदले में इसके, जब सेनाएं वहाँ से हटा ली जाएंगी तो तालिबान इनके बदले में क्या करेगा, उसने एक आश्वासन दिया था, अश्योरेंस का मतलब आश्वासन, दैट दे वुड नॉट लेट, कि दे का मतलब तालिबानी अलाव नहीं करेंगे, है ना, घुसने नहीं देंगे, अलर्ट का मतलब होने देना या करने देना, कि टेररिस्ट ग्रुप्स को, है ना, सच एज अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट ऑपरेट ऑन अफगानिस्तान सोयल, की जो अफगानिस्तान की जो मिट्टी है, धरती है, मतलब अफगानिस्तान पर जो ये टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको वहाँ पर अलाव नहीं करेगा, ये सब काम करने नहीं देंगे, ये तो सिर्फ कहना है, एक बार सेनाएँ हटने तो फिर देखो क्या तहलका मचता है वहाँ पर, है ना। आगे देखें, When Mr. Biden ordered, है ना, जब मिस्टर बाइडन ने ऑर्डर किया, आदेश दिया, तो रिव्यू का मतलब समीक्षा करना, किसका, तो US अफगानिस्तान स्ट्रेटजी, मतलब जो US और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो कार्यनीति है उसको लेकर के। देर वॉज स्पेकुलेशन, है ना, कि ये आशाएं थी, स्पेकुलेशन मतलब कि एक अनुमान लगाया जा रहा था, दैट ही वुड डिले, कि वो डिले करेंगे, देरी करेंगे किसमें, पुल आउट में, है ना, पुल आउट में किसमें, एटलीस्ट कम से कम अंटिल देर वॉज अ पोलिटिकल सेटलमेंट, है ना, कि अंटिल का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, है ना, मीन्स नेगेटिव वर्ड अपने आप नॉट रख के रखा था, तो इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है कि अंटिल के बाद नॉट लगा देता, तो नॉट इसमें नहीं लगता। तो कह रहे हैं कि लोगों को ये आशा थी कि जब जो बाइडेन ने समीक्षा करने के लिए बोला था, जो अफगानिस्तान और US वाली जो डील थी उसको लेकर के, तो उन्होंने बोला कि इस लोगों को आशाएं थी कि इसमें डिले होगा और कुछ सेटलमेंट हो जाएगा तभी वहां से सेनाएं हटेंगी, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट द ही मतलब कि ही का मतलब बाइडेन ने क्या, बाइडेन ने चुना, क्या चुना, एन ऑर्डरली पुल आउट, ऑर्डरली का मतलब जो पहले से ऑर्डर दिया गया था वही, कि पुल आउट का मतलब वापस बुलाना, कि ट्रंप ने जो बोला था वही सीधा सीधा फॉलो कर लिया, किसने, जो बाइडेन ने भी। द रिमेनिंग ट्रूप्स, जो बची हुई सेनाएं थी, कैसे 2500 विल स्टार्ट लीविंग अफगानिस्तान ऑन May 1, है ना, 1 मई को छोड़ना स्टार्ट कर देंगी, विद फुल विदड्रॉल बाय September 11, और पूरी तरह से कब, 11 सितंबर को हट जाएंगी वहां से, है ना। बिसाइड्स, इन सभी के साथ में ही, है ना, कि क्या होगा, बिसाइड्स मतलब इनके अतिरिक्त, US ट्रूप्स के अलावा थाउजेंड्स ऑफ कोलिशन का मतलब का समझौता करके, कई सारी चीज़ों को मिला करके जो ट्रूप्स वहाँ पर रखी गई थी अंडर नैटो, है ना, नैटो क्या है, ये एक मीन्स ग्रुप है ना, मिलिट्री ग्रुप है, इसमें कितने 30 कंट्रीज है। कब बनाया गया था, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था ये, है ना, क्यों बनाया गया था, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, तो उसी टाइम पर, जब द्वितीय विश्व ख़त्म हुआ तो उसी टाइम पर क्या हुआ था, कि जो सोवियत यूनियन था, है ना, उसकी जो सेनाएं थी उनको टक्कर देने के लिए, उनको निपटने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। इसमें 30 कंट्रीज़ हैं, है ना, और इसका फुल फॉर्म है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है, समझौता, है ना, एक है कि, तो इसमें भी जैसे मान लो कि US की तो सेनाएं वहाँ पर थी ही, साथ ही में किसकी सेनाएं थी, कि जो नेटो की सेनाएं थी वो भी वहाँ से हटा ली जाएंगी, है ना, तो कई सारे कंट्रीज़ को मिला करके। अब इससे होगा क्या, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, प्रॉब्लम्स ये होंगी कि नेटोज कमांड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पुल आउट अलॉन्ग विद अमेरिकन के साथ वो भी वापस चले जाएंगे। मिस्टर बाइडेंस
पुश टू रिव्यू द पीस टॉक्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड द तालिबान हैज़ हिट रोड ब्लॉक, है ना, कि दोनों के बीच में जो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई है ना, उसने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यूएस इनिशिएटेड मींस यूए अ लिखा है, देखो यहाँ पर अ लिखा गया है, लेकिन अगर यू लिखा तो अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ए और एन का जो इस्तेमाल होता है कि कहाँ पर किया जाता है, मान लो कि जो हमारे क्या होते हैं वॉवल होते हैं उनके पहले एन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर तो अ का इस्तेमाल हुआ है, तो वॉवल से पहले नहीं होता, वॉवल साउंड आता है तब, तो यू जो है तो यू एस लिखा, तो यू ऐसे लिखा जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब कि यहाँ पर जस्ट टेल मी वन मोर टाइम, यू ऐसे यू यस है ना, ऐसा लिखा गया है, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा ना कि एन का इस्तेमाल होगा। कह रहे कि यूएस द्वारा चालित यूनाइटेड नेशंस की रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन अंकारा टर्की, है ना, टर्की में होने वाली है, कि टर्की में क्या होने वाला है कि अंकारा जो कहाँ की कैपिटल है टर्की की, वहाँ पर यूएस लेड है ना, मतलब यूएस के द्वारा शुरू किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ना ऑन अप्रैल 24, मतलब 24 अप्रैल को, बट द तालिबान हैव मेड इट क्लियर दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट, और तालिबान ने क्लियर कर दिया कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एंड थ्रेटेंड, और उन्होंने धमकाया भी है कि टू स्टेप अप अटैक्स इफ़ द US did not meet the May 1 withdrawal deadline, कह रहे हैं कि अगर एक मई वाला जो डेडलाइन है उसको उसने पूरा नहीं किया तो वो क्या करेंगे कि मींस अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर की ये साफ नहीं है कि पीस कॉन्फ्रेंस विल गो विदाउट तालिबान पार्टिसिपेशन, कि ये तालिबान के बगैर शांति समझौता चलेगा, या इट वुड अचीव एंड वॉट इट वुड अचीव इफ इट गोज़ विदाउट तालिबान की, अगर तालिबान के बगैर समझौता वहाँ पर शांति समझौता होता भी है तो क्या उसमें कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है उसमें होगा क्या। दिस लीव द ऑलरेडी शैकी, शैकी मतलब एकदम डरावनी है ना, कि मतलब बहुत कमज़ोर छोड़ दे रहा है, गनी गवर्नमेंट मतलब अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसको एकदम कमज़ोर कर देता है, इवन मोर प्रेकेरियस, प्रेकेरियस का मतलब होता है, प्रेकेरियस का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन में, है ना, एंड आफ्टर सेप्टेम्बर द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद इटसेल्फ ऑन द बैटल ग्राउंड अगेंस्ट द तालिबान, मतलब तालिबान के खिलाफ सरकार वहाँ पर छोड़ दी जाएगी उसी मीन्स अपने भरोसे। फॉर नाउ गनी हैज़ हेल्ड टुगेदर द पावरफुल सेक्शन ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी अगेंस्ट द तालिबान, मतलब एटलीस्ट इन द प्रोविंशियल कैपिटल, मतलब कैपिटल में तो गनी ने अपनी चीज़ों को संभाल करके रखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बना कर रखा हुआ है तालिबान के खिलाफ, है ना, लेकिन वो लोग कुछ भी करा सकते हैं तालिबानी है, बट वंस द अमेरिकन गॉन्स, एक बार अमेरिकन वहाँ से चले जाएँ, मतलब सेनाएँ वहाँ से चले जाएंगी, बैलेंस ऑफ द पावर इन द स्टेलमेंट, स्टेलमेंट का मतलब गतिरोध में बदल जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कुड शिफ्ट डिसिसिवली इन द फेवर ऑफ तालिबान, तालिबान के पक्ष में चला जाएगा जब से सेनाएँ क्या होंगी वहाँ से हट जाएंगी तब, है ना। और द कंट्री इज़ ऑलरेडी विटनेसिंग अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब कि जो कंट्री सफ़र कर रही है क्या, है ना, कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है, सोसाइटी मेंबर्स को, अपोजिशन को, इन सबको मारा जा रहा है ना। दिस डज नॉट मीन दैट कि गवर्नमेंट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इसका ये भी मतलब नहीं कि जो वहाँ की सरकार एकदम गिरने के कगार पर है, ऐसा भी नहीं है ना। यूएस हैज़ प्रॉमिस दैट इट वुड कंटिन्यू रिमोट असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, है ना, कि वो सरकार क्या करेगी, वहाँ रिमोट असिस्टेंट रहेगी, मतलब अपनी जगह पर बैठे बैठे उसको सहायता देगी, है ना, इसको अफगानिस्तान को। द रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स सच एज रशिया, चाइना, इंडिया एंड विच हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन स्टेबल अफगानिस्तान वुड ऑल्सो भी क्रूशल इन डिसाइडिंग द कंट्रीज फ्यूचर, मतलब ये जो कंट्रीज भी हैं चाइना, इंडिया और रशिया, ये सब भी इनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, है ना, कि ये क्योंकि ये मेन प्लेयर हैं यहाँ पर, है ना, एंड अफगानिस्तान विल ऑल्सो भी क्रूश, हाँ आगे कह रहे हैं, बट वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज़ क्लियर है, यूएस डिस्पाइट ऑल इट्स मिलिट्री माइट, है ना, कि वन थिंग इज सर्टेन द यूएस हैज़ लॉस्ट द वॉर, यूएस युद्ध हार चुका है, इट्स विदड्रॉल विदाउट एनी सेटलमेंट, कि मतलब कोई बगैर सेटलमेंट किए, इवन मोर पीस रोड मैप, है ना, लीव्स द तालिबान स्ट्रॉन्गर एंड द गवर्नमेंट वीकर, सरकार को एकदम कमज़ोर छोड़ दे रहा है और वहाँ के जो तालिबान है उनको मजबूत छोड़ दे रहा है ना। दिस इज़ एन ओमिनस, ओमिनस का मतलब कि बुरा साइन, अशुभ साइन है ना, कह रहे हैं
कि ये सारी चीज़ें मतलब कि अब सीधा सीधा है कि वहाँ से अगर हट जाता है कौन, ये मतलब यूएस की सेनाएं हट जाएंगी तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता है वहाँ पर, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मान लो अभी क्या होता था, कुछ भी दिक्कत होती तो यूएस अपना एयर वाला इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल कर लेता था तो और तालिबान वहाँ से पीछे हट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मीन्स ये आज का हमारा डिस्कशन था किसको लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, जिसको हमने डिस्कस किया और बातचीत की, है ना। तो मीन्स आपको क्या लगता है कि सिचुएशन कैसे होने वाली है, और जो ग्लोबल ट्रेंड है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि मीन्स ये बात सही होगी कि नहीं सही होगी, अगर आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार दे सकते हैं, है ना। तो यही आज यहीं पर डिस्कशन अपना रोकते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना, तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।